हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस ऑन कमीशन के बारे में, जो कि कवर होता है अंडर सेक्शन 194H में। और आज जो हम बात करेंगे विथ जीएसटी, बात करेंगे कि इसकी एंट्रीज आपको कैसे करनी है। और देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन लाइबल है टीडीएस काटने के लिए अगर वो कमीशन पे करता है। तो आपको जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, या आप एक कंपनी हैं और आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 44AB में ऑडिट हो चुकी है, तो आप लाइबल हैं 10 रजिस्ट्रेशन के लिए और TDS काटने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि इंश्योरेंस पर अगर आप कोई कमीशन देते हैं या इसके अलावा एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई कमीशन देता है, तो वो सारी चीज़ें इस सेक्शन में कवर नहीं होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर प्रोफेशनल सर्विस के केसेस में अगर आप कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी इस सेक्शन में कवर नहीं होता है। बाइंग और सेलिंग के केसेस में अगर कोई कमीशन दे रहे हैं एक्सेप्ट सिक्योरिटीज, तो वो कवर होती है इस सेक्शन में। तो उस सिचुएशन में अगर आप किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, तो आपको TDS काटनी है। तो इसकी एग्जम्पशन लिमिट क्या है? इसकी एग्जम्पशन लिमिट है 15,000 रुपये पूरे साल में। अगर उससे ज़्यादा जैसे आपने पे कर दी कमीशन, तो आपको TDS काटनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरे साल में 15,000 से ज़्यादा दे देते हैं कमीशन, तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट पर TDS काटनी पड़ेगी। तो इसी के हिसाब से आपको प्लानिंग पहले ही से करके चलनी होगी। अगर आपको पता है कि 15,000 से एक्सीड हो जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में आपका अमाउंट, तो आप पहले ही से TDS काट लेंगे। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि रेट कौन से एप्लीकेबल होंगे। इसके ऊपर 5% का रेट एप्लीकेबल होगा कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर। तो 5% के रेट से आपको TDS काटनी है। अगर आपके पास डिडक्टी का पैन कार्ड नंबर अवेलेबल नहीं है, तो 20% के रेट से TDS काटनी है। अब हम GST की बात कर लेते हैं। अगर मानकर चलिए आप GST में रजिस्टर्ड हैं और किसी रजिस्टर्ड पार्टी को कमीशन पे कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में चाहे इंटर स्टेट हो या लोकल हो, आपको 18% के रेट से GST वहां पर लगानी पड़ेगी। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को कमीशन पे कर रहे हैं, तो वहां पर GST एग्जेम्प्ट है और वहां पर आपको RCM भी नहीं लगानी है। तो चलिए अब हम टैली में देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग आपको कैसे एंट्रीज पास करनी होगी टैली में। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं टैली में। हमें यहाँ पर सबसे पहले F11 यानी फीचर्स में आना होगा। उसके बाद हमें स्टेचरी एंड टैक्सेशन में आ जाना होगा। यहाँ पर हमें GST को इनेबल कर लेना होगा। सेट अल्टर GST डिटेल्स में हमें सारी डिटेल्स को फिल कर लेना होगा। उसके बाद हमें आ जाना होगा TDS को यस कर लेना होगा। उसके बाद हमें सेट अल्टर TDS डिटेल्स को भी फिल कर लेना होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर नहीं करूँगा कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने पहले कई वीडियोज़ में बता रखा है। और अभी मेरी ये TDS की सीरीज चल रही है। इससे पहले के जो मैंने TDS के वीडियो क्रिएट किए हैं, मैंने उनमें भी इन सबको डिटेल में बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको यहाँ पर कमीशन से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करनी है, सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करूंगा। ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बोला कि मैंने पहले के जितने वीडियो हैं सब में डिटेल में डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको नहीं पता है कि कैसे यहाँ पर ये ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है और कौन से ऑप्शन को कहाँ पर एक्टिवेट करना है, तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारी चीजें एक्टिवेट करने के बाद, जैसे GST और TDS को एक्टिवेट करने के बाद, सबसे पहले आपको आना है अकाउंट इन्फो में। यहाँ पर हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, मैं एल्टर में आ रहा हूँ। यहाँ पर कमीशन के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, GST को एप्लीकेबल करेंगे। ये क्योंकि सर्विस का लेजर है, तो सेट अल्टर GST डिटेल्स में हम सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे SSC कोड। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि हम इसे इंटर और इंट्रा दोनों में यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर GST रेट सेट कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस, उसके बाद TDS एप्लीकेबल, और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पर हमें न्यू कैटेगरी में जाना होगा, क्योंकि आपके पास अगर पहले से क्रिएट नहीं है, तो आपको न्यू कैटेगरी में जाकर क्रिएट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे क्रिएट किया है। ये देखिए TDS ऑन कमीशन सेक्शन मैंने लिख दिया। उसके बाद जो रेट था एप्लीकेबल 5%, वो मैंने डाल दिया। पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होगा डिडक्टी का, तो 20% ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। और उसके बाद एग्जम्पशन लिमिट 15,000 मैंने सेट कर दी। यहाँ पर एक हेल्पर बटन है, उसका हेल्प भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी नेट कनेक्ट है और आपके पास लाइसेंस वर्जन है, तो आप नेट कनेक्ट करके हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। अब आ जाते हैं हम पार्टीज़ का लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे ये मेरी रजिस्टर्ड पार्टी है इंट्रा स्टेट की, यानी मेरे ही स्टेट की, तो संडे क्रेडिटर। उसके बाद बिल बाई बिल, ये जो मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल डिटेल है, इसे यस कर लेंगे।
टीडीएस डिडक्टेबल यस करेंगे, डिडक्टी टाइप आप चूज कर लेंगे, जैसे मेरे केस में इंडिविजुअल है मैंने वो चूज कर लिया, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसे यस करेंगे और यहां पर उस नेचर ऑफ पेमेंट को लिंक कर देंगे जो टीडीएस का था, ठीक है। उसके बाद पार्टी का पैन कार्ड नंबर यहां पर एंटर करेंगे, अदरवाइज 20% के रेट से टीडीएस कट जाएगी। रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी नंबर यहां पर एंटर कर देंगे। अब हम रन अनरजिस्टर्ड पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। सारी चीजें सेम रहेंगी जैसे कि अभी तक मैंने बताया, सिर्फ इस केस में आपको यहां पर अनरजिस्टर चूज करना होगा। अब इसके अलावा टीडीएस का लेजर क्रिएट करेंगे, तो यहां पर आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं टीडीएस ऑन कमीशन, जैसे मैं लिख ही देता हूं, और आप चाहें तो कॉमन लेजर भी यूज कर सकते हैं। टीडीएस ऑन कमीशन मैंने लिख दिया, उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस, और टीडीएस ऑन कमीशन का जो नेचर ऑफ पेमेंट था मैंने यहां पर लिंक कर दिया। कॉमन लेजर क्रिएट करेंगे तो लिंक नहीं करेंगे, वो सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है इसीलिए मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब SGST का जो लेजर क्रिएट करेंगे, CGST का और IGST का जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो, तो कॉमन लेजर जो क्रिएट करेंगे उसमें इज टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट एनी चूज कर लेंगे, यहां पर कुछ भी डिफाइन नहीं करना है। तीनों टैक्सेस के लेजर में इसी तरीके से क्रिएट होगा, टीडीएस का जो मैंने ऑप्शन बताया आपको सेम रहेगा तीनों टैक्सेस के केसेस में। इसके अलावा और कोई लेजर है नहीं जो आपको क्रिएट करना है। अब हम आ जाते हैं एंट्री की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम यहां पर एंट्री पास करेंगे परचेज वाउचर में। आप चाहें तो जर्नल वाउचर में भी पास कर सकते हैं एंट्रीज, और चाहें तो परचेज वाउचर में भी पास कर सकते हैं। मैं यहां पर परचेज वाउचर का यूज करूंगा, और मैं बता दूं अगर ड्यूक की एंट्री आप पहले कर रहे हैं तो टीडीएस उस समय काट लेंगे, अगर आप पेमेंट की एंट्री पहले कर रहे हैं तो टीडीएस आप उस समय काट लेंगे। जो भी एंट्री पहले होगी उसी समय टीडीएस डिडक्ट हो जाएगी। अब देखिए, जो परचेज वाउचर है उसे आपको यूज करना है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में, यानी परचेज वाउचर पे आते सही आपको अल्ट के साथ आई प्रेस करना है, या बटन बार पे आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का ऑप्शन मिलेगा जो कि अभी यहाँ पर आइटम इनवॉइस नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर चूज करके रखा है, उसे आपको चूज कर लेना है। चलिए अब हम एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें अपनी पार्टी ले लेनी है जो रजिस्टर्ड पार्टी है। अब मैं इसे कमीशन दूंगा, मानकर चलिए 30,000 रुपये। यहाँ पर हम CGST और SGST अप्लीकेबल करेंगे। IGST के केस में IGST होगा, और ये जो अभी विंडो आई थी इसमें आपको कुछ भी चूज नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पर वही जो नेचर ऑफ पेमेंट था TDS ऑन कमीशन का चूज कर सकते हैं, अदरवाइज चूज करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद TDS ऑन कमीशन हम यहाँ पर चूज कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर सारी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक हो रही है, जर्नल वाउचर में ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल भी करनी पड़ सकती थी, इसीलिए मैंने बोला कि पेमेंट वाउचर यूज करना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम अनरजिस्टर्ड का भी यहां पर एंट्री कर लेते हैं, यहां पर जय चूज कर लेते हैं हम, और इस केस में GST एप्लीकेबल नहीं होगी जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। कमीशन मानकर चलिए यहां पर मैं 20,000 रुपये पे कर रहा हूं। यहां पर अब हम डायरेक्ट TDS का जो लेजर है TDS ऑन कमीशन का वो ले लेंगे, और ये सारी चीजें आप चेक भी कर सकते हैं। अल्ट के साथ अगर ए प्रेस करेंगे तो आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं टैक्स एनालिसिस में डिटेल में जाकर। अब हम आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं स्टेचुरी रिपोर्ट्स। टीडीएस रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं 26Q में, यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है जो भी एंट्री है। अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो हम जाकर डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं स्टेट पेमेंट, इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो हम पेमेंट वाउचर में पहुंच जाएंगे। यहां पर हमें TDS चूज करना है। फ्रेंड्स, आपको यहां पर इस तरीके से डिटेल फिल करनी होगी, टैक्स टाइप में TDS चूज करना होगा, पीरियड में आपको पीरियड डालना होगा कि किस मंथ की TDS की पेमेंट कर रहे हैं। तो अभी मेरा ये एजुकेशनल मोड टैली है तो मैं यहां पर 1 जून ही रख रहा हूं, 30 तारीख में नहीं ले सकता इसलिए मैंने 30 तारीख नहीं डाली है। डिडक्ट टिल डेट, लास्ट किस डेट तक आपने डिडक्ट की थी TDS, वो आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी होगी। उसके बाद सेक्शन चूज कर लेना होगा, नेचर ऑफ पेमेंट चूज करना होगा, डिडक्टी टाइप कंपनी है कि नॉन कंपनी है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद कैश या बैंक जो भी हो वो आप चूज कर लेंगे। देखिए, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई, आपको सिर्फ एंट्री को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर चाहें तो आप चेक डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं।
फ्रेंड्स हमने जो पेमेंट की एंट्री की वो आपको रिफ्लेक्ट हो रही है नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन में, यहाँ पर आपको वन रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए हम अंदर जाके देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों एंट्रीज जो थी पेमेंट की, जो हमने दो पार्टीज की टीडीएस काटी थी, दोनों एंट्रीज पेमेंट वाउचर में एक ही साथ हो गई, क्योंकि मैंने वहाँ पर पीरियड सेलेक्ट किया था कि मैं कब से लेकर कब तक की पेमेंट कर रहा हूँ, और मैंने जो पेमेंट की थी दोनों पार्टीज को एक ही डेट को पेमेंट की थी, इसीलिए दोनों की एंट्री एक साथ हो गई। अगर आप अलग अलग मंथ में करते या वहाँ पर पीरियड कम चुनते जब आपने पेमेंट की थी, तो उस कंडीशन में आपको दो एंट्रीज पास करनी पड़ सकती थी। तो देखिए ये आपको नॉट इंक्लूडेड रिटर्न में इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने चेक नंबर, चेक डेट, बीएसआर कोड ये सब नहीं फिल किया है। जैसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे फॉर डेमो, हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। कि अब देखिएगा इसका इफेक्ट यहाँ से हट चुका है, अब आपको ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और नीचे भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। फ्रेंड्स अगर आप चालान को प्रिंट करना चाहते हैं जो आपने पेमेंट की एंट्री की थी, वहीं पर आप वापस से आ जाएंगे, अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और यहाँ पर नो पहले प्रेस करेंगे और पेमेंट एडवाइस डेट यहाँ पर एंटर कर देंगे 1/6, उसके बाद प्रिंट करेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट होगा चालान। देख लीजिए आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।